नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम 25 दिन में संपूर्ण मैथमेटिक्स का कोर्स करने जा रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे चलाते हुए मैं आज एक नई प्रश्नावली के साथ शुरुआत करता हूँ। प्रश्नावली का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति और ये माध्यम से बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कौन सी प्रश्नावली है, सत्री प्रश्नावली। प्रश्नावली नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अंक है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 6 अंक की प्रश्नावली है। इसमें जो प्रश्न की संख्या पूछी जाती है एग्जामिनर का एक ही प्रश्न आ रहा है, एक ही प्रश्न से नंबर आता है। केंद्रीय प्रवृत्ति में तीन बातें पढ़ेंगे हम। तीन बातें कौन कौन सी है, पहली बात पढ़ेंगे हम माध्यम क्या याद करेंगे, माध्यम माध्यम समांतर माध्यम अक्ष भार के द्वारा कहते हैं। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे माध्यक, क्या पढ़ेंगे माध्यक, माध्यक किसके द्वारा कहते हैं, एम के द्वारा याद करते हैं। और तीसरी चीज याद करेंगे हम बहुधा। प्रिय विद्यार्थियों, ये तीनों चीजें क्या करेंगे हम, इनके बारे में देखेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे हम। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, एग्जाम में तो ये देखिए कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार पूछे जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम में इन तीनों में से दो चीज कोई सी, ये फिक्स नहीं है, कोई सी दो चीजें एग्जाम में साथ में मिला के देगा, आपको कहेगा प्रश्न ऐसे लिखवाएगा, निम्नलिखित बंटन का, निम्नलिखित बंटन का बहुलक व माध्यक याद कीजिए, ऐसे आ सकता है या ऐसे भी आ सकते हैं प्रश्न, निम्नलिखित बंटन का बहुलक व माध्यक याद कीजिए, ऐसे नहीं तो ऐसे भी आ सकता है, कल्पित मान विधि द्वारा, कल्पित मान विधि द्वारा माध्यक याद कीजिए व बहुलक भी याद कीजिए। तो जो भी आपको दे रखा उसी प्रकार हमको याद करना है। तो ये देखा गया पिछले दो या तीन वर्षों में कोई सी भी दो तीन चीजें हैं, तीनों में से किसी भी दो का मान आपसे याद करवा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो देखिए, पहले मैं शुरुआती तौर पर लेता हूँ बहुलक से, क्योंकि इजी रूप से हार्ड में चलेंगे, पहले बहुलक याद करते हैं। अब बहुलक में आपके सिलेबस में एक तो सतत दीर्घ है, एक असतत दीर्घ है, सतत असतत दीर्घ है। अभी इनमें क्या करना है आपको, असतत वर्गांतरण वाला उसमें प्रश्न नहीं करने के लिए 6 नंबर का प्रश्न है, छोटी सी बात नहीं पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य है कि 100 में से 100 नंबर लाना है, इसलिए छोटी चीजों को हम नेग्लेक्ट करेंगे, देखेंगे कम। देखिए आप आसानी से कवर कर सकते हो, मैं बता सकता हूँ किस प्रकार याद करोगे आप इसमें। यदि आपको ऐसा बहुलक याद करना है तो इसमें देख लीजिए, जो सबसे अधिक बारंबारता है वही आपका बहुलक है, जो सबसे अधिक बारंबारता है वो क्या कहलाता है, बहुलक। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेकर चलता हूँ मैं आपको, कहीं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मान लो कोई दीजिए आपको सारी के रूप में, और इसकी बारंबारता लिख दी, बारंबारता जैसे ऐप का मान लिखो, उसने ऐप का मान लिखा 3, 4, 9, 3, 1। अब आप देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 9 है, तो 9 के सामने वाला जो क्या करेगा, बहुलक, तो इसका बहुलक कितना है, 3, इसका क्या होगा आंसर। यानी ऐसे तो वर्गांतरण वाला होता है, इसमें आपको इतना ही देखना पड़ता है, जो सबसे अधिक बारंबारता होती है वो क्या कहलाता है, हमारा बहुलक। आपकी पाठ्य पुस्तक में 17.8 जो प्रश्नावली वो दे रखी है। अब आपको सतत वर्गांतरण वाले प्रश्न को लेकर चलता हूँ मैं, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है और इसी प्रकार आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न उसके बारे में अध्ययन करता हूँ। बाकी और प्रश्न है आप स्वयं निकालने की कोशिश करना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, मैं एक प्रश्न के माध्यम से आपको संपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरे विद्यार्थी, आपको 8 क्वेश्चन है, ये देखा पहले तो वर्ग अंतर, क्या वर्ग अंतर, तो आपको ऐसे करना है, वर्ग अंतर ऐसे सामने बनानी है, पहले काम तो वर्ग अंतर, वर्ग अंतर देखा है 20 से 30 का, देखा 20 से 30, इसके बाद देखा है 30 से 40, अच्छा 40 से कितना देखा है 50, 50 से क्या देखा है 60, 50 से 60, और 60 से 70, 60 से 70, इसके बाद देखा है बारंबारता एफ, देखिए आपको देखिए कितनी देखी है, पहला मान देखा है एफ के बाद आपको देखा है 4, पहला मान कितना देखा है 4, फिर कितना देखा है 28, फिर देखा आपके पास 42, फिर कितना देखा है 20, और कितना देखा है 6, कितना देखा है 6, ये आपके पास क्या देखिए इसमें बारंबारता, क्या देखिए बारंबारता। पहला काम आपको क्या करना है, बहुलक याद करना बहुत ईजी है, आप इस वीडियो को ध्यान से एक या दो बार देखिए, आसानी से कवर हो जाएगा आपका। पहला काम ये कीजिए प्रिय विद्यार्थी, जिसका देखो आप एक छोटी सी बात समझिए, जिसका क्लास में पहला स्थान होता है उसका पहला स्थान तय कैसे करते हैं, तो हम तय करते इस प्रकार करते हैं कि जिसके सबसे ज्यादा अंक आते हैं उसका स्थान कौन सा स्थान होता है, पहला स्थान होता है।
क्योंकि हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके नाइन्थ क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन था, तो पूछता है टीचर आप जवाब देते हो कि सर हमारे नाइन्थ क्लास में सबसे टॉपर बच्चा ये था, कौन कि जिसके सबसे अधिक नंबर आए, वही पहला स्थान आता है। तो पहला अंक आता है सबसे ज्यादा स्थान आता है, पहला स्थान उसी का होता है, सबसे सॉरी जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं उसी का कौन सा स्थान होता है, पहला स्थान होता है। तो देखिए आप फिर विद्यार्थियों, पहला स्थान जो सबसे ज्यादा अंक आ रहा है, सबसे ज्यादा देखो अंक कितने हैं 42, इसका कौन सा स्थान हो गया पहला स्थान, इसमें हुआ एफ मेन 12 का, इसमें 12 12 का उसी क्या कहेंगे एफ 1, क्या कहेंगे एफ 1, 1 से पहले क्या आता है जीरो आता है तो उसे कहेंगे एफ 0, अच्छा एक के बाद क्या आता है 2 तो उसे कहेंगे एफ 2, अच्छा जो सबसे ज्यादा आता है वो विशेष होता है, क्या आता है विशेष, इसे बोला हम कहेंगे बाद। अब देखो सबसे अधिक आगे कितना है 42, थोड़ी सी बात ही थी सबसे अधिक 12 था, कह दीजिए सबसे अधिक 12 था, सबसे अधिक 12 था है, कितनी है 42 के संगत, के संगत वर्ग अंतराल, के संगत वर्गी अंतराल, के संगत वर्गी अंतराल वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल देखना कितना, आप देखिए कितने से कितना देखा है 40 से 50 तक देखा है, 40 से 50 ये वर्ग अंतराल देखा है। अभी इसका सूत्र ध्यान रखिए, मैं जो सूत्र लिखता हूँ यदि आपको सूत्र आ रहा है तो कोई समस्या नहीं, सूत्र है सबसे इम्पोर्टेंट यही है, सूत्र लिखता हूँ ये है, देखो क्या सूत्र होता है इसका, जेड बराबर होता है एल प्लस कोष्टक एफ वन माइनस एफ जीरो बटे दो गुणा एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणा गुणा एच और कोष्टक का दो ऊपर, इसके बाद विद्यार्थी ध्यान दीजिए, इसके बाद देखो एफ एन का मान देखिए आपके पास एफ एन है, एफ एन का मान कितना है 42 है, इसके बाद विद्यार्थी देखो एफ जीरो का मान कितना है 28 है, इसके बाद देखिए एफ टू का मान देखा आपके पास कितना है 20 है, एक शब्द और होता है एच का मतलब वर्ग अंतराल कितने का है 10 का, कितने का है 10 का, ये कैसे पता चलता है 50 में से 40 का कितने का है 10 का, ये पांच चीजें आपके पास, इन पांचों के मारे सारे से देखिए और लिख दीजिए। अब लिखने के बाद ये मान है, ये इस समीकरण में रखा है, ये सूत्र है, इसमें सूत्र में आपको मान रखना है, तो देखो आपके पास ये सूत्र है इसका बहुपद का और इसका सूत्र है, इस सूत्र में आपको इसके मान क्या रखना है मान रखना है, तो मान रखते हैं एल एल कौन होता है निम्न वर्ग अंतराल कितना है 40 प्लस की जगह प्लस और की जगह कोष्टक एफ एन का मान देखिए फिर विद्यार्थी एफ एन का मान आपके पास कितना रखा है यहाँ से देखा कितना है 42 से कितना है 42 माइनस एफ जीरो का मान देखिए फिर विद्यार्थी कितना है 28 है बटे जगह बटे दो गुणा एफ एन कितना है 42 माइनस एफ जीरो का मान कितना है 28 माइनस एफ टू का मान कितना है 20 और वर्ग अंतराल कितने का है 10 का। अब इसे जोड़ बाकी करके आसानी से लिख लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों देखो बेसिक गणित आपको आनी चाहिए, बेसिक गणित में समस्या होती है तो विद्यार्थी थोड़ा सा विशेष प्रैक्टिस कीजिए, अपनी बेसिक गणित है उसे सुधार कीजिए। अभी जोड़ बाकी करना है विद्यार्थी को कैसे जोड़ बाकी करते हैं मैं समझा रहा हूँ, समझना 40 की जगह 40 प्लस की जगह प्लस कोष्टक की जगह कोष्टक 42 में कितने बच निकालो 28 तो कितने बच गए 14 बटे जगह बटे 42 को किससे गुणा किया 2 से कितना हुआ 84 जिनकी इसका माइनस कर ये 28 से कितना 20 से 20 और 28 कितने हुए 48 गुणा की जगह गुणा और 10 की जगह 10। अब आगे मैं क्या करता हूँ देखो विद्यार्थियों मैं क्या कर रहा हूँ 40 की जगह 40 प्लस की जगह प्लस प्लस की जगह प्लस कोष्टक दिखाए कोष्टक 14 दिखाए 14 बटे दिखाए बटे इसमें से संख्या कितने गए बाकी 84 से कितने गए 48 कितने गए 36 अच्छा गुणा कितने गए गुणा कितने है 10। अब यदि संख्या कटती तो काटे नहीं कटती तो रह गई, लेकिन ये कटती है 7 दो का बाद आ रहा है कितने बार जा रहा है 7 बार और उसमें कितने बार जा रहा है 18 बार, फिर दो का बाद इसमें कितने बार जाता है 5 बार इसमें कितने बार जाता है 9 बार 7 में से बढ़ गया 5 से 7 बजे 33 मीटर का था और लिख लिया तो 40 की जगह 40 प्लस की जगह प्लस गुणा कर तो 7 बजे 35 बटे की जगह बटे और ये कितना है 9। अब 35 में इसका भाग ये बिल्कुल होगा ये 40 ऐसे कैसे रख दीजिए 40 की जगह 40 प्लस की जगह प्लस बाहर लग रहा है कितने बार गया 9 27 कितना बच गया 8 कितना 80 72 और ये कितना बच गया 8 तो कितना लगा दो 9 लगा दो
कितना बार 40 होती है, कितना बार 43, कितना बार 43.82। जिन विद्यार्थियों को भाग देना नहीं आया वो इधर देख लीजिए एक बार, उनको बता दूं मैं इस प्रकार भाग दिया जाता है, वो याद है ध्यान देना। 35 में आपको भाग देना है किसका दो का, तो देखो 9 × 3 = 27 भाग दिया 3 भाग गया, आगे हम देखो बाकी निकालो 3 तो ये सिर्फ आप ये 3 कितना बच गए 8। अब देखो आप आगे कोई संख्या नहीं दिया करो 0 0 क्या होता है पॉइंट, इसका मान कितना गया 8, 9 × 3 कितना हुआ 72, 72 करने पर इसमें से बाकी कितना गया 8, यहाँ उत्तर आया 0, कितने बार गया 8 बार, तो यहाँ 8 आया 2 या कितना आया 2 9, क्योंकि बाद वाले एक्सरसाइज में से एक बड़ा क्लिक है तो कितना हुआ 1 9 है, तो आपके पास उत्तर कितना है 43.89 और इसका क्या गया आंसर। इस प्रकार विद्यार्थियों मैंने जो प्रश्न वाली है 17.8 का एक ही प्रश्न हल करवाया और बाकी प्रश्न है आप इसे निकालिए, आपकी यदि कोई समस्या होती है तो बताइए, क्योंकि एक एक पॉइंट पर बात करेंगे हम, तो पहला पॉइंट हमने बात की है बहुलक, इसके बारे में बात की है बहुलक, आप निकालिए इसी का नेक्स्ट वीडियो आज ही, पहले एक बार निकालिए आज ही इसका नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलेगा। एक साथ ही बता दूं विद्यार्थियों कि कुछ विद्यार्थी की होता है कि दिमाग में चोरी होती है कि सर हमारा उत्तर गलत है या सही है, इसकी पहचान करने का तरीका यही है, यदि हमारा उत्तर 40 से ज्यादा और 50 से कम, बहुलक हम इसे ध्यान रखिए 40 से तो ज्यादा होता है और 50 से क्या होता है कम है, इनके लगभग बीच में आया तो हमारा उत्तर क्या है सही है। यदि किसी विद्यार्थी को उत्तर आ जाता है कि सर मैंने हल किया इसका आंसर मेरे पास नहीं है 52.5 आ रहा है, तो इसमें उसको आंसर क्या है गलत है, हमेशा उत्तर जो आंसर है आपका वो किसके मध्य 40 और 50 के मध्य होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों मैंने आज ये बहुलक बताया आपको, इसी प्रकार आगे हम कल बात करेंगे माध्यक के बारे में, यानी नेक्स्ट।